हेलो नमस्ते, मैं पित्ती जैन आपको आज नए बर्तनों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। यदि आप नए बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनका इस्तेमाल सतर्क होकर करने की ज़रूरत है। धातु के बर्तन के साथ ही क्रॉकरी को भी पहली बार सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। क्रॉकरी का प्रिंट कई बार टॉक्सिक हो सकता है। इससे बचने के लिए पहली बार इसे गुनगुने पानी में भिगोएं और इसके बाद सूखे कपड़ों से पोंछकर उनका इस्तेमाल करें। इसी तरह धातु के बर्तन भी पहली बार आप गुनगुने पानी में भिगोने के बाद इस्तेमाल करें। धातु के बर्तनों में एक समस्या और होती है, वह है इनके लेबल्स। अक्सर सभी बर्तनों पर लेबल्स लगे रहते हैं जो आसानी से नहीं हटते। इन्हें आप कुरच कर नहीं हटाएं, क्योंकि इनके हटाने के बाद जो गोंद बचता है वह भी हानिकारक होता है। सबसे पहले बर्तनों को लेबल की पिछली ओर से हल्का गर्म कर लें, फिर इसे कपड़े या चाकू से हल्का कुरेच लें। इससे लेबल पूरी तरह हट जाएगा और गोंद भी नज़र नहीं आएगा। तो आज मैंने आपको नए बर्तनों का इस्तेमाल करना बताया, तो अगली बार मैं आपको कुछ नया बताऊँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।